सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कैप्चा टाइपिंग वर्क लेके आया हूँ। अच्छा खासा अर्निंग करोगे इस प्लेटफॉर्म से, आपके लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप वर्क करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने वाले हो आज के वीडियो से और आज के प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके यहाँ पे समझ पाओगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इस साइट का लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना। एंड आपकी ईमेल आईडी जैसे डालोगे तो उसमें आपका जो लॉगिन पासवर्ड और आपका ईमेल आईडी सेंड किया जाता है, उसी पासवर्ड को डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों जैसे लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको चार तरह का कैप्चा मिलेगा, एक आपको इस टाइप का और एक आपको इस टाइप का, और आपको जो रिकैप्चा देख सकते हो गूगल वाला, इसके बारे में तो पता ही है। और लास्ट में देखे तो ये जो आपको कैप्चा एंट्री करना होगा जो नंबर का है, ठीक है। और इसमें कितना आपको कितना रुपये का अर्निंग होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो इसमें जो पहले वाले में इसमें आपको देखो 4 स्टेप मिलेगा और इसमें आपको $1 की CPM मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको 5 स्टेप करना होगा और इसमें $1.2 की CPM आपको मिल जाता है। और इसमें देखो 4 स्टेप $1 की CPM, ठीक है। और लास्ट में जो नंबर वाला कैप्चा है इसमें आपको देखो 5 स्टेप मिलता है और यहाँ पे $1.3 की CPM आपको मिलता है, रेट यानी कि डॉलर का रेट। ये काफ़ी महंगा है, ठीक है। और बाद बाकी जो $1 का है वो उससे थोड़ा कम CPM वाला है, मतलब कम अर्निंग वाला है। तो दोस्तों आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि आपको जब सबसे ज़्यादा जल्दी इसी में होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेप है। 4 स्टेप मतलब यहाँ पे एक कैप्चा को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होता है। भले ही कैप्चा आपका 1 मिनट में एक सॉल्व हो, लेकिन यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा आप इसी में कर सकते हो, क्योंकि इसमें 4 स्टेप है और इसमें 5 स्टेप है। और 1 स्टेप आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको पैसे मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला कर लो पहले वाला, उससे आपका यहाँ पे जो कैप्चा है वो जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट वर्क पे क्लिक करने के बाद आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल मैं स्टार्ट वर्क पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज लोडिंग होगा। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको अर्निंग करना होगा और कमाल का साइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो आपके सामने कैप्चा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने कैप्चा आ गया। आपको क्या करना होगा, इसको इधर आपको सिलेक्ट करके इस इमेज में लगाना होगा। देखो ये इस इमेज में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके लाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करके ये मैंने सिलेक्ट किया एंड इसके बीच में ला के यहाँ पे मिला के आपको छोड़ देना होगा। देखो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप इनका चालू हो गया। स्टेप कैसे चालू होगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लिक ऑन दी ऐड, ठीक है। यहाँ पे जहाँ कहीं भी ऐड शो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा बैक आना होगा एंड उसके बाद आपके सामने ऑटोमेटिक लोडिंग होके यहाँ पे इसके जो स्टेप में ले आएगा, जो मैंने बताया 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको सिंपल सा स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो होगा उसको आपको कट कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। यहाँ पे कंप्लीट ऐड स्टेप वन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दूसरा पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने जो दूसरा पेज इनका आ जाता है, ठीक है। अगर आपके में ऐसे में नहीं आ रहा है ना तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप मोड किया इसको आपको जो डेस्कटॉप मोड से हटा दोगे, ठीक है, उसके बाद आपके सामने बराबर थोड़ा आ जाएगा। एंड उसके बाद मोबाइल से कर रहे हो तो ईजी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो और बड़ी बात है। तो यहाँ पे जितने भी ऐड आते हैं ना उनको आपको कट कर देना होगा। यहाँ पे क्रॉस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद कट कर दोगे एंड स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है। और लास्ट में देखो एक बड़ा ऐड यहाँ पे शो कर रहा है नीचे, इसको भी कट कर देता है। इसको भी मैंने कट कर दिया। यहाँ पे नीचे देखिए तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, स्टेप टू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेप 3 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे सिंपल सा एडवर्टाइज आता है। आपको पता है एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो, एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी जाके ये लोग कमाएंगे और हमें पैसे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एकदम लास्ट में देखिए तो ये वाला ऐड है ना, ये सबसे बड़ा वाला ऐड है ये वाला, ठीक है। और जो भी पॉपअप विंडो है आपको कैंसिल करना होगा और ये वाला ऐड यहाँ पे क्लिक करके आपको कट कर लेना होगा क्रॉस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रॉस पे क्लिक कर दिया, ऐड कट हो चुका है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ऐड मिल जाता है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कट कर देना होगा। तो इसको क्लिक कट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेप 3 पे आपको हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो स्टेप 4 है वो आ जाएगा।
और यहाँ पे स्टेप 4 हमारा आ चुका है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे और लास्ट में आपको क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके ऐड को कट कर लेना होगा। देखो बहुत ही सिंपल से कट कर दिया हो, खाली फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा दिक्कत आ जाता है, पॉपअप ऐड आ जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कम्प्लीट 4 स्टेप यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको एक कैप्चा सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा, डिपेंड करता है आपके नेट का स्पीड कैसा है। ठीक है, तो गाइज लास्ट वाले स्टेप में देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ये ऊपर कोने में देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने क्रॉस का आइकन दिख रहा है, ये इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे कट कर लोगे देखो यहाँ पे आपको ऐड को कट करने के बाद देखो फिनिश कैप्चा आ चुका है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक कैप्चा सॉल्व हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 1 मिनट के अंदर यहाँ पे सॉल्व हो गया और मेरा अर्निंग भी यहाँ पे देख सकते हो बढ़ चुका है। जैसे पहले यहाँ पे देख लेना वीडियो को आगे करके कितना था और अभी कितना है। तो इसी तरह से आपको हर एक कैप्चा में अर्निंग करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हो ये आपको कैप्चा मिल जाता है जो अभी मैंने करके आपको दिखाया। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा कैप्चा भी मिल जाता है बहुत ही इजी तरीके से। आपको फिर से क्या करना होगा, देखो फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, फिर से इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और फिर से आपको अर्निंग करना होगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको आगे और करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे आपको अर्निंग करना होगा। सभी कैप्चा में आपको इसी तरह से अर्निंग करना होगा और बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग होगा और काफ़ी ट्रस्टेड साइड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे कैप्स आपको मिल जाते हैं, कितना अर्निंग किया है, कितना आपको अर्निंग मिलेगा यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। इस साइड में देखो टुडे अर्निंग, यहाँ पे दिस अप्रैल में कितना अर्निंग किया है, सब कुछ यहाँ पे टोटल आपका शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विड्रॉ लेने के लिए सबसे पहले आओगे व्यू प्रोफाइल पे आओगे, क्योंकि आपको अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो व्यू प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए तो आपको अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे मिल जाता है, पेमेंट सोर्स और पेमेंट डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद देखो पेटीएम मिल जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेटीएम में विड्रॉ ले सकते हो, तो पेटीएम पर सेलेक्ट करके आप अपना पेटीएम का नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना। ठीक है, आपका नंबर यहाँ पे पेटीएम नंबर सेव हो जाएगा विड्रॉ लेने के लिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद सिंपल से यहाँ से बैग जाता हूँ, बैग जाने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आना होगा। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जैसे ही आओगे तो आने के बाद यहाँ पे देखे तो आपका जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 100% जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा $1 यहाँ पे देखे तो मिनिमम पे आउट $1 है। तो जैसे ही आपका ये लाइन पूरा हो जाएगा तो आपका यहाँ पे $1 भी कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आउट पर क्लिक करने के बाद आप अपना पेमेंट बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। 24 आवर्स में आपका पेमेंट आपके पेटीएम अकाउंट में मिल जाता है और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी और हिस्ट्री सब कुछ शो करेगा। ठीक है, डेट जिस डेट को आपने विड्रो लगाया और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग मिल जाता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर मान के चलो दिन में 50-60 कैप्चा सॉल्व कर लिया तो आपका यहाँ पे $1 रिसीव हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे लगता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कर लेना, बहुत ही अच्छा साइड है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में विजिट करो, आपको और भी वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं दूसरे वीडियो में।